भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अब इंदौर के ओर बढ़ चली है। कल ओंकारेश्वर से जो है वो मऊ पहुंचे और मेरे साथ हैं मणिशंकर अय्यर जी जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, आप भी आज जो है भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन इन करने आए हैं, आपको क्या कहना है? जिस तरीके से बीजेपी आप लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल रही है, उस पर आपको क्या कहना है? वो हमला करें और हम देखते हैं, हम तो भारत को जोड़ने के लिए आए हैं, जुदा करने के लिए नहीं। और भाजपा बस जुदा करने में ही लगी हुई है और इसलिए इस यात्रा की अहमियत अब आधा देश में तो हम देख चुके हैं और अब जो बाकी रहा उसके आगे बढ़ते बढ़ते ये भीड़ भी बढ़ती जाएगी और जो हमारा संदेश है वो भी फैलेगा। सर, राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं बीजेपी वाले, आपको इस पर क्या कहना है? मेरा कुछ कहना नहीं है उस पर, वो करे अपना काम, हम करेंगे अपना काम। कभी उनके शर्ट पे, कभी उनकी बियर्ड पे, अब तो जो कल पूजा कर रहे थे उसको भी कहा होना। और कोई मुद्दा नहीं रहा ना उनकी दाढ़ी पर या उनकी कमीज पर ऐसे घटिया चीज कहना, यही रहा उनके पास, क्योंकि जनता यहाँ से दिखता है कि जनता उनके साथ, राहुल गांधी के साथ। मेरा आखिरी सवाल है, 2024 आपको कैसा दिखता है? आपको लगता है कि 2024 में आगे क्या भविष्य में क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन एक साथ आएगा, क्या उस तरह से आप लोग टक्कर देंगे कि सरकार बदलेगी? भारत जोड़ने के लिए निकले हुए हैं, चुनाव जीतने के लिए ये एकदम मकसद नहीं है। मकसद ये है कि लोगों में जानकारी फैलाए, वहाँ कुछ उत्सुकता हो और उसका नतीजा हम देखेंगे 2024 में। जी, तो ये थे मणिशंकर अय्यर जी हमसे बात करते हैं, कैमरा पर्सन दीपक विश के साथ, प्रभाग आज तक मऊ।